रोल प्ले, बहुत समय पहले मुझ पर रिक्वेस्ट आया था कि मैम रोल प्ले पे वीडियो बनाएं और पार्टनर्स रोल प्ले कैसे करते हैं और क्या रोल प्ले करना आपके सेक्स टाइम को या आपके बेड परफॉर्मेंस को बढ़ा सकता है, कितने कपल्स ये करते हैं, क्या ये सही है या क्या गलत है, इस बारे में बात करूंगी। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नेहा मेहता। मैं एक सेक्स काउंसलर हूं और पिछले काफी सालों से प्रैक्टिस कर रही हूं। अपनी हर वीडियो के माध्यम से सेक्स से जुड़ी सही जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करती हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि ऐसी बहुत सी वीडियोस और आने वाली हैं और आप इसे मिस करना एक्चुअली सूटेबल नहीं होगा। सो लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। चलिए, हम बात कर रहे थे रोल प्ले क्या होता है। रोल प्ले एक्चुअली, अगर हम इसे नॉर्मल इंग्लिश में जानने की कोशिश करें या लेमन टर्म में जाने, तो रोल प्ले का मतलब होता है कि आप मेरा रोल कर रहे हो और मैं आपका रोल प्ले कर रही हूं और फिर हम उसको एक एक्टिंग के रूप में कर रहे हैं। रोल प्ले इन सेक्स और इन पार्टनर्स आर बेसिकली एन एक्टिविटी जहां पर आप एक दूसरे को किसी की तरह इमेजिन करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं, जो कि आपके किंक, मतलब आपको एक प्लेजर का अनुभव कर रहा है। जैसे मान लीजिए हस्बैंड वाइफ हैं और वो एक रोल प्ले करते हैं कि मैं पुलिस वाला बनता हूँ और तुम चोर बनो, ऐसे में मैं तुम्हें पकड़ूंगा और फिर एज अ पनिशमेंट I will do sex with you। इस तरह के रोल प्लेज जो आप एक्चुअली स्टोरीज में देखते हैं या फिर आप जब मूवीज देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, ऐसे में आप उसको एक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ये आपके प्लेजर को बढ़ा रहा है, इसे हम रोल प्ले का नाम देते हैं। रोल प्ले को हम वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए तुम मेल बनो और मैं फीमेल बनता हूँ। जैसे जो मेल्स हैं जिन्हें डोमिनेटिंग फीमेल्स पसंद हैं या फेमडोम को इंजॉय करते हैं, वो इसे वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। जैसे एक दूसरे के कपड़े पहनना, वेयर अ फीमेल कैन वियर अ मेल डोमिनेटिंग क्लोथ्स, जहाँ पे वो मेल की तरह एक्ट कर रही हैं और जो मेल है वो चाहे तो फीमेल के क्लोथ्स पहन के या उसकी तरह डरने वाली एक्टिंग करके दे कैन हैव दैट सेक्सुअल एक्टिविटी। बहुत ही कॉमन रोल प्लेज, जैसे मैंने आपको बताया कि पुलिस इंस्पेक्टर या फिर कल्प्रिट का एक रोल प्ले बहुत ज़्यादा कॉमन रहता है, या फिर टीचर या स्टूडेंट का रोल प्ले कपल्स को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, या फिर नेबर्स का रोल प्ले बहुत ज़्यादा पसंद आता है, या फिर क्रॉस पार्टनरशिप का रोल प्ले बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो इस तरह के रोल प्ले हाउसमेट्स या फिर इस चीज का रोल पे हम लोग करते हैं कि वो घर में मालिक है और वो मेड है, इस तरह के रोल प्ले कपल एक्चुअली एंजॉय करते हैं और वो उनकी सेक्स लाइफ में एक नया प्लेजर, एक नया अनुभव, एक नया नॉटनेस को जनरेट करता है। रोल प्ले करना सही है या गलत है, आप इसका आंसर हम इस तरीके से दे सकते हैं कि अगर आपका पार्टनर इस एक्टिविटी के लिए कंसेंशुअल है, कंसेंट देता है, या वो भी कहता है हाँ डेफिनेटली करते हैं, दिस इज समथिंग फन, तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी को फोर्स कर कर बोलें कि नहीं मुझे पसंद है इसलिए तुम करो, दैट इज नॉट एट ऑल राइट। यस, रोल प्ले इज अ वेरी गुड टेक्निक टू ब्रिंग द स्पार्क बैक अगेन। जैसे आपकी शादी को अब काफी समय हो गया है, आप कुछ नया एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली रोल प्ले करके, कपड़े बदल के, वैसे एक्ट करके इसे डेफिनेटली एंजॉय कर सकते हैं। कई लोग किसी और करेक्टर का रोल प्ले करने की बजाय अपनी शादी से पहले का रोल प्ले करना चाहते हैं। जैसे जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी वैसे वाला एक्ट करके दिखाओ, या जब हम फर्स्ट टाइम हनीमून पे गए थे तो हम वही इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं और वैसे ही करते हैं क्योंकि उस दिन बहुत बेस्ट हुआ था। तो रोल प्ले इज समथिंग यू कैन डेफिनेटली एड टू इंक्रीज, वो बोलते हैं ना कि वही फीलिंग, वही स्पार्क वापस लाने के लिए आप बिल्कुल 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 उसे अपने सेक्स रूटीन में या डेली परफॉर्मेंसेस में ऐड कर सकते हैं। ये एक तो नया जोश देता है आपको, नए तरीके से एक नया, जैसे बोलते हैं ना, आपको कहीं ना कहीं से कुछ नया समझ में आया है, आपको पता है अब इसको इस तरह से करना है, तो वो आपके अंदर एक एक्साइटमेंट क्रिएट करता है, लव की फीलिंग क्रिएट करता है, स्पार्क क्रिएट करता है। तो अगर आप ऐसा कुछ आपको नहीं पता है तो आप ऐड कर सकते हैं अगर आपका पार्टनर सपोर्ट करता है,
और अगर आप करते हैं और आपका पार्टनर सपोर्ट कर रहा है तो आप डेफिनेटली इसे एंजॉय कर सकते हैं। मेरे लिए इस एक्टिविटी के लिए थम्स अप है, सिर्फ और सिर्फ आपको अपने पार्टनर का कंसेंट या उन्हें अपने आइडिया के बारे में बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये एक ऐसी टेक्निक है जिसे आप डेफिनेटली इन्वॉल्व करें और रोल प्ले को अपनी एक्टिविटी में अपने पार्टनर को एटलीस्ट ये वीडियो जरूर दिखाएं, उन्हें बताएं जरूर कि ऐसा कुछ है और चल कोशिश करते हैं, लेट्स ट्राई, मे बी आपको भी ये बेनिफिट करेगा। रोल प्ले एक्चुअली आपको मेंटली बहुत अच्छा फील कराता है, फिजिकली तो डेफिनेटली, लेकिन मेंटली आप बहुत ऐसे फैंटेसी वर्ल्ड में चले जाते हैं जो कि बहुत बहुत कहीं ना कहीं आपके परफॉर्मेंस को, क्योंकि आपका माइंड का बहुत ज़्यादा रिलेशन है आपके इरेक्शन से, तो आपकी परफॉर्मेंस को भी बहुत लंबे समय तक और टाइम को भी इंक्रीज कर देता है। तो आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपके बहुत से डाउट्स को क्लियर कर पाई है। बहुत जल्दी एक और वीडियो लेकर हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप कोई टॉपिक है आप चाहते हैं डॉक्टर नेहा इस पर वीडियो बनाए तो इसे कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जुड़ने के लिए डॉक्टर नेहा ऑफिशियल मेरा हैंडल है, आप डेफिनेटली अपनी क्वेरीज कर सकते हैं। और हमारे जो दो नए चैनल हैं, लव इंटिमेसी प्लेजर वाइफ क्या कहती है, उससे रिलेटेड चैनल है लवोलॉजी सीखो, उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। और जो साइकोलॉजी मेंटल हेल्थ रिलेटेड चैनल है साइकोलॉजी सीखो, दोनों ही चैनल सीखो, लवोलॉजी और साइकोलॉजी सीखो, दोनों को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि बहुत सारी और नई वीडियोज फ्रेश कंटेंट आप तक पहुँच सकें। इस चैनल पर अपना प्यार देना नहीं भूलेंगे। बहुत जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।